संस्था टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक के लिए अपना चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनके लिए वीडियो काफी खास है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन में उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा। चूंकि समय कम होगा आपके पास, इसलिए इस वीडियो को बनाना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज ही बना रहे हैं। कल मैं सोचा था कन्फर्म होने के बाद बनाया जाए, चूंकि लेकिन आज बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल सैटरडे है और परसों संडे होगा। तो संडे आप जान रहे हो कि सारे वर्किंग आवर्स आपके, मतलब कि जितने भी कोर्ट है या अदर कॉलेजेस में जो भी काम करना होगा वो बंद हो जाएगा। मतलब संडे के दिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपके पास बस सैटरडे बचता है और उसके बाद मंडे ट्यूजडे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वीडियो मैं आगे डाल दूं ताकि आपको टोटल डिटेल एक नॉलेज हो पाए। तो भाई इस चीज को कल भी क्लियर करना पड़ेगा, तो चलिए आप देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो भाई आपके पास जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा तीन ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि आपने जो कॉलेज के लिए चूज किया है तो कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा जिस कॉलेज का। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे। क्या क्या ऑप्शन होंगे? एक्सेप्ट द अलॉटमेंट, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मुझे ये कॉलेज पसंद है और जो मुझे अलॉट किया गया मुझे उसे एडमिशन कराना है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको जैसे अपने गेटवे के थ्रू कार्ड के थ्रू पेमेंट किया था, फिर से आपको अपना एक पेमेंट करना होगा 1000 रुपीज का उस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर को लेने के लिए। और जैसे ही आप उसका पेमेंट करोगे आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा। हो सकता है कल ना दे, 7-8 को दे दे, लेकिन मेरे ख्याल से कल भी दे देना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे उसके बाद पेमेंट करना होगा और पेमेंट कर आपको अपना अलॉटमेंट लेटर लेना होगा। इस तरह से आप समझिए कि आपको कॉलेज ने सीट, कॉलेज के लिए सीट अलॉट हो गई। अब वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना है और साथ में आपको एडमिशन लेना है। तो लेकिन अगर मान लो कि आपको जो सीट दिया गया अगर आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप काउंसलिंग ही नहीं करना चाहते तो फिर आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, तो रिजेक्शन ऑफ अलॉटमेंट आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो और आप पूरे काउंसलिंग को ही रिजेक्ट करके आप यहां से काउंसलिंग से हट सकते हो। लेकिन अगर आप अपग्रेडिंग के चॉइस में जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे ये अलॉटमेंट पसंद नहीं है मुझे अपग्रेड किया जाए, सेकंड काउंसलिंग में जो अच्छे कॉलेज हो वो देने का प्रयास किया जाए, तो फिर आपको अपग्रेडिंग में जाना होगा। इसके बाद अब अगर बात करते हैं कि अगर आप अलॉट करवा लेते हैं, तो अलॉट करने के बाद जहां पर आप इंस्टीट्यूट है वहां एडमिशन के लिए कौन कौन से पेपर्स आपको लेकर जाने होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं ये वीडियो खास बना रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स क्या है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई आपने पॉलिटेक्निक एग्जाम जो दिया था उसका एडमिट कार्ड जो है आपके पास ओरिजिनल का मतलब जो आपने प्रिंट किया था उसमें साइन किया हुआ है, तो वो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ में आपका जो आपने रिजल्ट कार्ड आया था जो आपने जिसमें रैंक लिखा हुआ है और जो आपका मार्कशीट था वो आपका पॉलिटेक्निक का मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर अभी आप डाउनलोड करेंगे वो अलॉटमेंट लेटर आपका होना चाहिए। और उसके बाद 10th सर्टिफिकेट, तो भाई जो भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट अगर आप आईएससी हो तो आईएससी तक का 10th का भी रखना होगा, मतलब 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और अगर पासिंग सर्टिफिकेट है 10th का तो पासिंग सर्टिफिकेट, साथ में इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, टोटल डॉक्यूमेंट जो भी आपके एकेडमिक है, ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट, साथ में आपको देना होगा अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। वो तो मैं हम लोग लगातार बता रहे हैं कि आपको अनुमंडल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, और ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि अब स्लिप से होगा कि नहीं। बहुत बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बनाता, पिछले बार तो स्लिप से हुआ था, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या होता है, ये कल पता चल पाएगा। इसलिए हम लोग वेट भी कर रहे थे कि कल ही ये वीडियो बनाया जाए, लेकिन आज मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जिनमें टाइम लगेगा बनाने में आपको। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, एसएलसी, सीएलसी, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपको कॉलेज अलॉट कर गए हैं और अगर आपने एडमिशन कहीं करा रखा है, मतलब आप पढ़ाई कहीं कर रहे हो, तो आपको अपने स्कूल या कॉलेज से जाकर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। अब जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमने तो 10th पास आउट पर पॉलिटेक्निक का अप्लाई किया था लेकिन मैं तो आईएससी इंटर कर रहा था, या जो बच्चे 11th में भी इंटर कर रहे हैं या हो सकता है कुछ ग्रेजुएशन के भी हो, हाँ भाई आपको अपना कॉलेज से नाम कटवाकर अपना टीसी निकलवाना होगा। अगर आप अलॉटमेंट ले लेते हो तो पक्का हो गया कि आप पॉलिटेक्निक ही करना है, तो आपको अपना टीसी लेना पड़ेगा और टीसी वहां जमा करना होता है। तो ये काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आप टीसी तो अभी नहीं निकाले होंगे, तो क्योंकि अभी आप कॉलेज ही कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज कन्फर्म हो जाता है तो आपको अपना टीसी निकाल लेना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीएलसी या एसएलसी आपको ले लेना होगा और उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड होता है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो बच्चे को BC1, BC2 या STSC से मिला है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो अंचल का है, अनुमंडल का, अंचल का तो नहीं, अनुमंडल का मैंने बराबर कहा है, तो अनुमंडल का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा अगर कास्ट से आप अलॉटमेंट कराते हो।
मेरे ख्याल से आप लोगों को दो ऑप्शन मिलना चाहिए, एक आपको बीसी वन या बीसी टू या एससी एसटी के अनुसार एक कॉलेज मिलना चाहिए और एक जनरल से भी कॉलेज अलॉटमेंट में मुझे लगता है दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल का ऑप्शन करके जो कॉलेज मिलेगा उसको चूज करना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चूज करना क्योंकि वो आपको वहां पर जरूरत पड़ेगा। और टीएडब्ल्यू कोटा के बच्चों के लिए तो भाई इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बन गया है तो क्योंकि आपने यस किया है तो ऑटोमेटिकली आपका टीएडब्ल्यू कोटा के अनुसार इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो अगर आपने टीएडब्ल्यू यस किया था और टीएडब्ल्यू का कोई सीट मिल जाता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपको बनाने होंगे उसको आज ही अगर आप साइट से डाउनलोड कर लो तो ज्यादा अच्छा है। जेसीसीबी का साइट पर जाकर आप देखोगे डाउनलोड में तो आपको एक एंटी रैगिंग के दो बनाने होंगे आपको एफिडेविट, ये कोर्ट से बनेगा एफिडेविट नॉन जुडिशियल पेपर में। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने की संभावना है क्योंकि एंटी रैगिंग जो होता है वो दो बनेगा, एक पेरेंट्स के नाम पर और एक कैंडिडेट जो बच्चा है बच्चे के नाम पर बनेगा और एक उसके पेरेंट्स के नाम पर बनेगा। तो इसका एक फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है जेसीबी के बोर्ड में के साइट पर, तो साइट से आप उसको डाउनलोड कर और कोर्ट से नॉन जुडिशियल पेपर, क्योंकि नॉन जुडिशियल पेपर जल्दी मिलता नहीं है, वो ई नॉन जुडिशियल पेपर जो आता है आपका ई स्टाम्प पेपर, तो ई स्टाम्प पेपर के लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है अपने नाम से, फिर आपका पेपर आता है क्योंकि एफिडेविट बनने में तो टाइम नहीं लगता लेकिन ये पेपर के लिए थोड़ा सा बोकारो में तो टाइम लग रहा है, पता नहीं अदर एरिया में भी टाइम लगता होगा एक दिन का, मतलब लगभग जाकर लाना पड़ता है। तो अगर आप देख लो कि अगर कॉलेज कल अलाउड हो जाता है और कल आप या तो कॉलेज में जाकर एसएलसी सीएलसी निकाल लिए हो तब तो ठीक है, तब तो आपको देख लेना कि ये लग रहा है कि नहीं, अगर एंटी रैगिंग लग रहा है तो कोर्ट जाकर सबसे पहले ई स्टाम्प पेपर अरेंज कर लेना क्योंकि ई स्टाम्प पेपर रहने के बाद आप बहुत ही जल्द कोई भी लॉयर आपको बनाकर दे देंगे। तो भाई ये एंटी रैगिंग आपको कोर्ट से लॉयर से मिलकर बनाना होगा और ये ई स्टाम्प पेपर पर बनेगा, तो ई स्टाम्प पेपर आप नॉन जुडिशियल जो पेपर आता है वो आपको अरेंज कर एंटी रैगिंग और फॉर्मेट मैंने बताया है साइट पे दिया हुआ उसे देखकर बना सकते हो। मेडिकल फिटनेस ये कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास आप बता दोगे कि मेडिकल फिटनेस मुझे चाहिए तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे देंगे, तो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी, लेकिन ये बाद में बनाना, कभी कभी कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि नहीं मेरे बगल में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आप मेडिकल फिटनेस बनाओ, तो एक बार ये कंफर्म कर लेना कि आपका कहां पर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल फिटनेस आप बना लेना। और लास्ट में एक मैं बात करूंगा गैपिंग सर्टिफिकेट की, ये किनको जरूरत पड़ेगा, तो जैसे मान लो कि आपने टेंथ या इंटर आईएससी कर चुके थे और एक साल बीच में आपका गैप हो गया, मतलब कि अभी 2019 है ना, मान लो कि आपने 17-18 के बाद एक साल आप पढ़ाई नहीं किए, एक साल आपने तैयारी किया जो भी किए, एक साल का गैपिंग के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हो और आपका जो एसएलसी सीएलसी है वो एक साल पहले का है, तो बीच के पीरियड में आपने कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं की, इसका आपको एक एफिडेविट करके देना होता है जिसको गैपिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि बीच के पीरियड अगर 2-3 साल बीच में आपका पढ़ाई गैप हुआ है तो उसके लिए गैपिंग आपको एक एफिडेविट करना पड़ता है कि आपने बीच में कुछ नहीं किया है, आप कहीं पर कोई एडमिशन नहीं लिए हैं, इस तरह का आपको एक देना पड़ता है गैपिंग सर्टिफिकेट, इसकी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आपका पढ़ाई में बीच में गैपिंग है। तो ये सारे सर्टिफिकेट पहले लग रहे थे जब ऑफलाइन हो रहा था, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन के बाद भी जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो ये एडमिट वेरिफिकेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाई चलो कॉलेजेस मिल जा रहे हैं आपको अच्छे कॉलेजेस, तो ये सारे डिपेंड्स में आप टाइम चुकी है क्या, मैं बताना चाहूंगा कि देखो आज चुकी फ्राइडे हो गया मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं और सैटरडे और फिर संडे को तो भाई कोर्ट भी बंद रहेगा और आपका कॉलेज भी बंद रहेगा, तो सीएलसी एसएलसी निकालने का भी काम नहीं हो पाएगा और कोर्ट का भी नहीं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सैटरडे को आप देख लेना, पहले तो ये जरूर देख लो कि भाई पेपर की रिक्वायरमेंट हो रही है कि नहीं, आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा ये सारे पेपर, अगर अलॉटमेंट लेटर में एंटी रैगिंग और ये सब पेपर दे रहा है लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले कोर्ट जाकर एक ई स्टाम्प पेपर जो मैंने कहा है वो जरूर ले लेना, और वो ई स्टाम्प पेपर कितनी चाहिए, दो, क्योंकि एंटी रैगिंग एक पेरेंट्स के नाम पर बनेगा एक बच्चे के नाम पर, तो दो ई स्टाम्प पेपर अपने नाम से वहां से निकलवा लेना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, सैटरडे है तो यूज हो जाएगा, संडे तो सैटरडे को ही आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा, तो मंडे तक आप कॉलेज का एसएलसी का काम अगर कल ही कर लेते हो सैटरडे तक तो बेस्ट होगा। तो पहले तो भाई अलॉटमेंट में देखो क्या करता है, हो सकता है अलॉटमेंट में अगर लेट हो जाए बात अलग है, 7 तारीख को अगर अलॉटमेंट मिले तो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर अगर मान लो देने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर हो सकता है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, क्योंकि 10-11 तक लास्ट डेट, अब देखो डेट कब तक दिया जाता है, टाइम मिलेगा 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, घबराना नहीं है,
तो ये 3-4 दिन में आपको जाकर एडमिशन कराने होंगे। तो चलो आज तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, कल मैं प्रयास करूंगा कि कल अगर अलॉटमेंट आ जाता है और कुछ नई तब्दीलियां आती हैं या और भी कुछ नए इन्फॉर्मेशन आते हैं तो मैं लाइव आपको कल जैसे ही ये अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो एक लाइव वीडियो बनाकर मैं टोटल डिटेल बता दूंगा। तो लगभग ये आइडिया हो गया होगा आपको, आप पता करके रख लो अपने आसपास कोर्ट रूट में कि ई स्टाम्प पेपर के लिए कब मिल जाएगा, अवेलेबल है कि नहीं, अपने लॉयर वेयर से कहीं भी जो आसपास के पते के हैं ये सब पता करके रखो, कॉलेज का खुला हुआ है कि नहीं, एसएलसी सीएलसी के लिए ये सब पता करके रखिए सारे पेपर के लिए। इसलिए मैंने ये आपको एक बिफोर इन्फॉर्मेशन दे दिया अलॉटमेंट आने से पहले, तो भाई इसको चलिए टोटल कंप्लीट करके रखिए। और लेटर एंट्री के बच्चों का भी डेट पेपर में तो कहीं दिया हुआ है लेकिन अभी तक साइट पर इन्फॉर्मेशन नहीं था तो मैं इसके लिए अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, और उसके लिए भी डिटेल मैं बता दूंगा कौन कौन सा कॉलेज आपके लिए ठीक रहेगा, जो बच्चे आईएससी पास आउट या आईटीआई पास आउट है तो भाई उनके लिए मैं बराबर कॉमेंट आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो ताकि मैं चाह रहा हूँ एक का क्लियर होना है दूसरे पर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।